आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी अहम जानकारी इंदौर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अमला एक्शन में नजर आ रहा है। क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग सीधे तौर पर एक्शन में नजर आ रहा है और चंदन नगर थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में छापेमार कार्यवाही यहां पर की गई है। मसालों को जब्त किया गया और सैंपल जो है वो जांच के लिए भेजे गए हैं। आगे कारोबारी सुनील साहू के खिलाफ केस भी इस दौरान दर्ज किया गया है। एक्शन में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम देखने को मिली और इस एक्शन अवतार में फैक्ट्री में छापेमार कार्यवाही की गई है। बड़ी जानकारी इंदौर से जो सामने आ रही है, फैक्ट्री में छापेमार कार्यवाही की गई है। मसाला फैक्ट्री में ये छापेमार कार्यवाही की गई और मसाले के सैंपल्स को भी यहां पर लिया गया है और जांच के लिए इन सैंपल्स को आगे भी भेजा गया है और जांच रिपोर्ट का इंतजार अब क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। खाद्य विभाग की टीम जो है वह इस वक्त कर रही है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, एक्शन में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम साफ तौर पर देखने को मिल रही है और छापेमार कार्यवाही यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम की ओर से की गई है। चंदन नगर थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में छापेमार कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। तो मसालों के सैंपल जो है लेकर आगे भेजे गए हैं और अब इन सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतजार लेकर आते थे और यदि किसी चीज़ की मिलावट कर रहे हैं तो इसके लिए हमने सभी मसालों के नमूने लिए हैं जो कि जांच के लिए भोपाल जाएगा। उसके बाद ही इसमें बता पाएंगे। बड़े मसाले लेकर आते थे और यदि किसी चीज़ की मिलावट कर रहे हैं तो इसके लिए हमने सभी मसालों के नमूने लिए हैं जो कि जाँच के लिए भोपाल जाएगा। इस बीच हमारे सहयोगी भरी गई जी बिल्कुल, दरअसल जिला प्रशासन अभी सरकार माफिया के खिलाफ एक अभियान चला रही है जिसमें मिलावटखोरों के भी खिलाफ अभियान लगातार जारी है। कल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि चंदन नगर में एक ओम राम ट्रेडिंग फैक्ट्री है जिसके अंदर नकली मसालों का व्यापार चल रहा है। इस पर क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वही की वहां से करीब 8,500 ग्राम मिर्च मसाले धनिया पाउडर जब्त किया गया। इसके अलावा करीब इसकी कीमत 12 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। जो व्यापारी है ये यहाँ पर खड़े मसाले लाकर उन्हें यहाँ पर पिसाई करवाता था और पिसाई के दौरान ही उसमें मिलावट की सामग्री मिलाकर इसे ब्रांडेड जो मसाले उनके नाम पर बाजार में बेच दिया करता था। फिलहाल अभी तो पुलिस ने कार्रवाई कर सारे मसाले जब्त कर लिए, इसका सैंपल भोपाल भेज दिया गया है। हालांकि चंदन नगर पुलिस ने जो व्यापारी है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ये फैक्ट्री को जिला खाद्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन सील करने की कार्रवाई करेगा। जी वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।